जनता पार्टी के झंडे को गाड़ के रखने के लिए ऐसे हमारे अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी मंच पर आसीन, हमारे अपने वॉरियर का जिन्होंने नाम रोशन किया है, संभाग का नाम राष्ट्रपटल पर गौरव के साथ रखा है, हमारे मुरैना क्षेत्र के सांसद, केंद्र सरकार के मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर जी मंच पर आसीन, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, वरिष्ठ नेता, प्रखर वक्ता आदरणीय प्रभात झा जी मंच पर आसीन, क्षेत्र के हमारे सांसद जिनका एक मधुरता का संबंध ग्वालियर के एक एक वासी के साथ रहा है, आदरणीय शेखवलकर साहेब, हमारे पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय देवान सिंह पवैया, हमारे मंत्री शेख के हमारे मंत्री लोकप्रिय आदरणीय भरत सिंह कुशवाहा जी, जिनको आप और हम सब उनके मृदुर स्वभाव के लिए जानते हैं, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय वेद प्रकाश शर्मा जी, ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक एवं मंत्री आदरणीय प्रदोप सिंह जी, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण इस ग्वालियर की पवित्र माटी कि सभी यहां उपस्थित मेरे कार्यकर्ता, मेरे सम्मान्य बुजुर्गों, मेरे भाई और बहनों, आज इस कार्यक्रम के लिए हम बहुत दिनों से आतुर थे। एक ज्वालामुखी की तड़प हमारे दिल में थी, जिस राजनीतिक दल में हमारा समावेश हुआ है उस राजनीतिक दल की सदस्यता अगर हम ग्रहण करेंगे तो सम्मान्य मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के समक्ष भी हम करेंगे। आज वो दिन आ चुका मेरे भाई और बहनों, हाँ विलंब जरूर हुआ है, लेकिन कभी कभी शुभ काम में देरी जरूर होती है, लेकिन ये संयोग देखो, ये संयोग आप देखो कि आज गणेश चतुर्थी का दिवस है, जिसकी बधाई और शुभकामनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। और भगवान गणेश जी के चतुर्थी के दिवस पर शुभ काम की ही शुरुआत होती है।
गली में इस सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने पूरे मध्य प्रदेश में बहाने का काम किया। ये ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस पार्टी को इतिहास में पहली बार 34 सीटों में से ये ग्वालियर चंबल संभाग की जनता ने 26 सीटें दिलवाई। 15 महीने में शिवराज सिंह जी, आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी, नरेंद्र सिंह जी, विकास और प्रगति का काम तो भूल जाओ, मुख्यमंत्री का चेहरा भी एक बार नहीं देखा। सही है कि नहीं? मेरी दिल की मंशा एक ही है, विकास की और प्रगति की और गरीबों
मुख्यमंत्री नहीं है, वहां पर दो मुख्यमंत्री, एक आगे था एक पीछे। हमें धन्यवाद देना चाहता हूं शिवराज सिंह जी को कि 3 महीने की अवधि में एक एक विधानसभा में 150 से 200 करोड़ के विकास कार्य इन्होंने विधायकों के नाम पर इन्होंने सहमति जताकर विकास और प्रगति का मार्ग क्षेत्र का प्रश्न किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नरेंद्र सिंह जी को जिन्होंने प्रदेश और केंद्र में शीर्ष नेतृत्व के साथ मिलकर जो हम सबकी एक लंबी मांग थी, इनका स्वयं का सपना था, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे 7,500 करोड़ रुपए की योजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृत करा के दिलवाई। और ये ग्वालियर के वासियों को मैं विश्वास दिलाता हूं कि एक एक दिन आपके लिए समर्पित होगा, विकास के लिए समर्पित होगा, प्रगति के लिए समर्पित होगा, न्याय के लिए समर्पित होगा और आपके सम्मान के लिए समर्पित होगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। आज ये सब योद्धा अध्यक्ष जी आपके समक्ष खड़े हैं, इन्होंने सदैव जनता की लड़ाई लड़ी है, प्रदोम के साथ, और मुझे गर्व है ऐसे जनसेवक पर। जब गंदा नाली देखता है तो स्वयं खून के साफ करवाता है, यह असली जनसेवा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। और आज मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं अध्यक्ष जी कि एक अपना पूरा जीवन इस महान भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी, नड्डा साहब, अमित शाह जी के दिखाए हुए पथ पर चलने के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने के लिए आपके समक्ष खड़ा है। आपकी सेना है, ये आपके धरोहर है और मुझे विश्वास है कि इस आने वाले चुनाव में पूर्ण रूप से हाथ में हाथ मिलाकर इस भारतीय जनता पार्टी का झंडा और हम पूरे प्रदेश में ग्वालियर से लहराएंगे।